एक साहब थे, बहुत मशहूर वाकया है, बहुत गुर्बत में रहते थे, बहुत बहुत गुर्बत में, कभी पेट भर के खाना नहीं खाया था। एक दिन वो अपने बिस्तर पे बैठे हुए थे तो उनके पास एक फरिश्ता आ गया। उन्होंने पूछा आप कौन? कहते मैं रिज़्क तकसीम करता हूँ लोगों में। उस दौर की बात है जब बात हो सकती थी। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में कितना रिज़्क है और कितना रिज़्क है? उसने कहा तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ 10 रोटियां हैं बस, अब पूरी ज़िंदगी अब 10 रोटियां हैं, तुम्हारा रिज़्क उसके बाद नहीं है। उसने कहा क्या आप वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं इकट्ठी? मैंने कभी 10 रोटियां इकट्ठी नहीं देखी, मुझे तो कभी एक रोटी पूरी नहीं मिली, क्या वो 10 रोटियां मुझे दे सकते हैं? उसने कहा अगर वो 10 रोटियां दे दी तो उसके बाद कुछ नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, ख़त्म, बस इतना ही रिज़्क है। उसने कहा मुझे दे दें, मैं जानूँ, मेरा काम जाने, मैं आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी मेरा रोटियाँ। उन्होंने 10 रोटियाँ दे दी और चले गए सोच के कि अब कुछ दिन बाद इनका इंतकाल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा इनके पास। चंद माह बाद एक दफ़ा गुजर रहे थे वहाँ से, वो उन्होंने सोचा कि मैं इसका हाल देखूँ कि वो अब तक तो मर गया होगा। उन्होंने देखा तो उसके घर के बाहर लोगों का जम गफीर था, लोग खाने खा रहे थे और देगें चढ़ी हुई थी और वो भी खा रहे थे और लोग भी खा रहे थे, आ रहे थे और जा रहे थे, खाना चल रहे थे। उन्होंने बहुत हैरत हुई इस बात पर, इनकी ज़िंदगी आखिरी 10 रोटियां थी, इस बात को महीने गुजर गए और आज इतना लोग खा रहा है। उन्हें हैरत, उनसे पूछा कि भाई तुम्हें तो 10 रोटियां ज़िंदगी में आखिरी थी, ये रिज़्क कहाँ से आ गया? उसने कहा यार तुम जो 10 रोटियां देके गए, मैंने 2 रोटियां तो खा सका, बाकी 8 नहीं खा सका, मैंने वो 8 रोटियां लोगों में बांट दी। जब वो बांट दी, अल्लाह की राह में बांट दी, अल्लाह किसी का कर्ज नहीं रखता, वो 8-80 होके मेरे पास आ गई। बाद में खाना आने लगा, कहाँ से आ रहा था मुझे नहीं पता, रिज़्क कहाँ से आ रहा था, मैं वो जितना रिज़्क आता था मैं अपना खाता था, बाकी बांट देता था, फिर और रिज़्क बढ़ता था मैं बांट देता था। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं लोगों को बांटने लगा। तो ये जो बांटने की सिफत है ना, ये बहुत बड़ी है। शेयर कीजिए, लोगों में शेयर कीजिए, लोगों को दीजिए, कुछ भी है आपके पास, जो कुछ है दे दीजिए लोगों को। अगर आप कुछ जानते हैं लोगों में बांट दीजिए, अगर आप पैसे ज़्यादा हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा हैं, बांट दीजिए, दे दीजिए लोगों को, रास्ता दे दीजिए। ये जो अक्सर गाड़ी में आप जा रहे हो तो पीछे से हॉर्न दे रहा होता कोई आदमी, आप यकीन करें उसको रास्ता दे दें, आप अपने वक्त पे ही पहुँचेंगे, कभी लेट नहीं होंगे आप, याद रख लीजिएगा इस बात को, दे दीजिए रास्ता, जो जाने जाने दीजिए। तो ये देने की सिफत आजमाएं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे कहना चाहिए ना। कभी भी आप देखिएगा आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, जब आप देना शुरू कर देते हैं ना तो आपकी नस्बत अल्लाह ताला से जुड़ जाती है, फिर आप कभी परेशान और डिप्रेस नहीं रहते। जितना ज़्यादा आप देने वाले बनेंगे इतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। आप तय कर लें कि हर महीने कुछ ना कुछ, कुछ नहीं तो अपने घर के बाहर एक बर्तन में ठंडा पानी, कुछ दाल या चावल या बाजरा आप बाहर रख दें जहाँ परिंदे आते हों, ये बहुत बड़ा सदका है, वो परिंदे खा के जाएंगे, वो परिंदे पानी पी, पानी मुफ्त है, आप नेस्ले का मिनरल वाटर मत रखें, आप नल का पानी रख दें, वो मुफ्त है, वो पी के जाएंगे पानी। इसको एक आदत बना लें अपनी, फिर आप देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं।